नवाज लीग अगवान ख्वाजा साद रफीक चुआ रियासत की सलामती के दाव ते न लगाए वे अज जो ढी पाकिस्तान लाए योम निजात हों आगा क्यों इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस पहुंचने बाद मीडिया से गाल बोल कदे मुस्लिम लीग नोन के अगवान ख्वाजा साद रफीक चुआ इमरान खान जो चूरन हाने विक्रो नो अहम खबर दूँ पे ख्वाजा साद रफीक चुत इमरान खान की केतर ही साथिन संदस साथ छे दिनों है मुस्लिम लीग नोन जो को भी कारकुन रोडन से न हों अज 22 करोड़ अवाम के नहुसत का चोटकारो मिल आगाह कई पा नवाज लीग अगवान ख्वाजा साद रफीक चुआ है रियासत की सलामती के दाव से न लगाए वे अज जो ढी पाकिस्तान लाए योम निजात हों के अहम खबर बाबत आगाह कई पा इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस पहुंचने बाद मीडिया से गाल बोल कदे मुस्लिम लीग नून के अगवान ख्वाजा साद रफीक है इमरान खान जो चूरन हाने विक्रो नो ख्वाजा साद रफीक चुआ इमरान खान के केतर ही साथिन संदस साथ छे दिनों है मुस्लिम लीग नून जो को भी कारकुन रोडन से न हों अज 22 करोड़ अवाम के नहुसत का छोटकारो मिल एक भेरो बीहर बेरो चीफ नजीर चाहे इस्लामाबाद खान लाइन मौजूद है जी नजीर बो चवण ख्वाजा साद रफीक जो जी ख्वाजा साद रफीक जो को मुस्लिम लीग नून जो सीनियर अगवान है वो कौमी असेंबली पहुंची चुका है उनको यो चवण हो तो वजीर आजम इमरान खान जो पाजी पान में अंदर में इखलाकी जरूरत पैदा करे अदम एतमाद की वोटिंग वो मरहलो उनमें भरपूर तरीके से पां तरफा शिरकत करें फैसलो इन ऐवान के मेंबर से छे वे तो अपोजिशन के मेंबर के वजीर आजम मुंतखब था कन या इमरान खान के बीहर वजीर आजम मुंतखब कर मेंबर के फैसले से छड़न घुर्जे ख्वाजा साद रफीक जो ये चवण हो तो हि मकाफात अमल आको अमल किया हो अज उन मौत में इनके उ अमल जो आडो अची वो है असा ना चाहूं तो हुकूमत का कें किस्म की टकरा चाहूं अज तारीख में पहों दफो है ख्वाजा साद रफीक को चवण तो हुकूमत पान एहतजाज कर रही है पां पान के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ अज भी जो है एहतजाज ख्याल करें जो है सो हुकूमत जो है न सिर्फ मोकलाट जो शिकार की है रियासत की सलामती के दाव से न लगाए वे ख्वाजा साद रफीक जो चवण हो रियासत की सलामती के दाव से न लगाए वे